जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वेस्ट डिकम्पोजर को हम कई तरीकों से और कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी तरीके हमारी खेती के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। वेस्ट डिकम्पोजर ईजाद करने वाले डॉक्टर कृष्णचंद जी ने वेस्ट डिकम्पोजर के घोल से कई कारगर तरीके बताए हैं। इन सभी तरीकों की जानकारी यदि किसान भाइयों को होगी तो वह इसका खेती में लाभ उठा सकेंगे। इसी आशा के साथ ही किसानों तक ये जानकारी पहुँचे, आज हम डॉक्टर साहब के बताए गए एक और तरीके यानी कि फार्मूले के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे फार्मूला नंबर 3 यानी कि कीटनाशक। कीटनाशक जरूरी क्यों है, इसमें सामग्री क्या होगी, कैसे बनाना है, कितना समय लगता है और इसके क्या फायदे हैं और इसको कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, खेती में कीट व रोग की समस्या अपने आप में बहुत बड़ी है। इसके निदान के लिए हम बाजार से ना जाने कितने रुपए खर्च करके अपनी खेती को बचाते हैं और इनके प्रयोग से हमारी फसलें जहरयुक्त भी हो रही हैं। इसका मलाल हम किसानों को है, लेकिन करें तो करें क्या। इसके लिए दोस्तों, वेस्ट डिकम्पोजर आधारित कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है। आज कई किसान इस फार्मूले का प्रयोग कर खेती कर रहे हैं और अच्छा फायदा उठा रहे हैं। इस कीटनाशक में सामग्री क्या होगी, इसमें कोई खास सामग्री नहीं है। हरी मिर्च, लहसुन और हल्दी की जरूरत होती है। इसको बनाना कैसे है दोस्तों, आप हरी मिर्च और लहसुन को पीस लें, जितना बारीक हो सके उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप सिलबट्टे पर पीस रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बारीक हो जाए, नहीं तो आप इसको मिक्सी में पीस कर बारीक कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, हल्दी का पाउडर की ज़रूरत होती है। ये सभी सामग्री लगभग 100-100 ग्राम होगी तो अच्छा रहेगा। और ये सामग्री एक स्प्रेयर यानी कि 15 लीटर के लिए है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगे तो ये अपनी सामग्री को आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस प्रकार ये सभी सामग्री को आप 15 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसे छान लेंगे, छानने के बाद आप इसको स्प्रे में भर देंगे तो ये इस प्रकार जो है हमारा कीटनाशक स्प्रे करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है और आपने देखा कि तुरंत बनाओ और फसलों पर स्प्रे करो। तो दोस्तों, इसमें समय आपने देखा बहुत कम लगता है, बहुत ही कम समय में ये तैयार हो जाता है और इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, क्योंकि तुरंत बनाकर तुरंत ही प्रयोग करना होता है। इसके फायदे क्या हैं दोस्तों, ये फसलों के कीटों को समाप्त करता है, इसके साथ ही साथ रोगों को भी समाप्त करता है और फसलों को साथ ही साथ ग्रोथ भी करता है यानी कि बूस्टर का काम करता है। तो ये कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी फसलों में ये फायदेमंद है। दोस्तों, इसका प्रयोग कैसे करना है, आपने देखा कि 15 लीटर के लिए आपने जो कीटनाशक तैयार किया है आप उसे फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। शुरुआत में आप कम से कम एक एक सप्ताह या 10-10 दिन के अंतराल पर 2-3 बार स्प्रे करें और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ इसमें कीट लग रहे हैं फसलों में तो आप इसका स्प्रे करें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि अगर फसल आपकी केवल 20 दिन की है यानी कि कम समय की है तो आप उसमें इस घोल में 5 लीटर घोल में कम से कम 10 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करें। अगर पानी नहीं मिलाएंगे तो इसमें समस्याएं आ सकती हैं। जब फसल 20 दिन के बाद की हो जाएगी तब आपको इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये कीटनाशक एकदम से जैविक है और इसमें जो हमारी फसलें जो होंगी वो एकदम से जैविक होंगी, इसमें किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं होगा और हमारी खेती जो जहरयुक्त हो रही है वो जहर मुक्त होने लगेगी। तो दोस्तों, देखा आपने, बिना किसी लागत का एक कीटनाशक फसलों की जहरीला भी नहीं बना देगा और अपनी लागत को भी कम करेगा। तो दोस्तों, ये तो रहा फार्मूला नंबर 3 यानी कि कीटनाशक। आगे दोस्तों, हम कई ऐसे फार्मूले हैं जिनको हम एक एक करके आपको बताएंगे। अगले वीडियो में एक अन्य फार्मूले के साथ हम आपके साथ बात करेंगे और वो भी आपकी खेती के लिए बहुत ही बेहतर होगा और अच्छा होगा। तो दोस्तों, लगातार देखते रहें हमारे वेस्ट डिकम्पोजर के फार्मूले। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।